नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं कक्षा 8वीं स की छात्रा हूँ। मेरी विद्यालय का नाम है केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है इच्छा शक्ति। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी चल नहीं पाएंगी। विल्मा रुडोल्फ की माँ सकारात्मक मनोवृत्ति महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हूँ? माँ ने कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में विल्मा ने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वह कई बार चोटिल हुई एवं दर्द सहन करती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी एवं लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 वर्ष बाद वह बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही। कई बार हारने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। 15 वर्ष की अवस्था में उसने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहां उसे कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वह सबसे तेज धाविका बनना चाहती हैं। कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की एवं आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका से हुआ जिनका नाम जुत्ता हेन था, जो अभी तक एक भी दौड़ हारी नहीं थी। पहली रेस 100 मीटर की थी जिसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया एवं दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा ने सामने जुत्ता ही थी, इसमें भी विल्मा ने जुत्ता को हरा दिया और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुत्ता के साथ था। रिले रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस की शुरुआती 3 हिस्सों में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई उससे बेटन छूट गया, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरी छोर से उससे जुत्ता हेन तेजी से दौड़ी चली आ रही हैं। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी तथा जुत्ता को तीसरी बार भी हराया और अपना 3रा गोल्ड मेडल जीता। तो अब मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बस आपको अपने पे विश्वास रखना होगा, आपको अपनी इच्छा शक्ति से प्रयास करना होगा, काम करना होगा, तो फिर कोई चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं होगी। तो